नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन के। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग का 12वां मैच यानी कि रूबी टिच वॉरियर्स वर्सेस चेपॉक सुपर गिल्स के बीच में। यहां पर ये जो मुकाबला होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर जो आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो गाइस चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू की। तो ये मुकाबला कहाँ पर होने वाला है? ये मुकाबला होने वाला है वेडनेसडे 6 जुलाई 2022 शाम को 7:15 लाइव एक्शन देखने के लिए मिलेगा। एनआरपी कॉलेज ग्राउंड में होने वाला है। अगर जो बात करें पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट में यहाँ पर 52 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से टारगेट जो डिफेंड हुआ है 22 टाइम्स हुआ है, टारगेट चेज जो है 30 टाइम्स हुआ है। यानी कि टारगेट चेजिंग के ज्यादा चांस है इस वाली पिच के ऊपर, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है रन ज्यादा बनते हैं तो चेज जो है यहाँ पर जल्दी हो जाता है। अगर जो बात करें फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर की, तो वो है 164, और अगर जो बात करें टारगेट चेज की वो है 160 का, और टारगेट डिफेंड जो है यहाँ पर 176 रन पे होता है। यानी कि 160 पे टारगेट चेज होएगा, 170 से ऊपर के स्कोर पे यहाँ पर टारगेट डिफेंड के चांस होंगे। यानी कि अगर जो आप लोगों के आगे दिखता है कि यहाँ पर 160 रन बन चुके हैं, तो 160 तक तो टारगेट चेज हो सकता है, लेकिन 170 पे अगर जो बात पहुंच जाती है तो समझ जाना भाई टारगेट डिफेंड के ज्यादा चांस है। अब बात करेंगे जो रूबी टिच वॉरियर्स की और यहाँ पर दूसरी टीम चेपॉक सुपर गिल्स की। तो भाई देखो, यहाँ पर रूबी टिच वॉरियर ने 2 मुकाबले खेले, 1 जीता 1 हारा। वही बात करें पिछले साल की चैंपियन चेपॉक सुपर गिल्स की, तो भाई उन्होंने 2 मैच खेले, दोनों के दोनों हारे। यानी कि चेपॉक सुपर गिल्स को जीतने के लिए यहाँ पर खाता खोलना पड़ेगा, मतलब अगर जो वो जीतती है तो उनका जब भी जाकर के खाता खुलेगा। लेकिन रूबी टिच वॉरियर भी चाहे कि भाई अपनी जीत को बरकरार रखे, क्योंकि पहला मैच खेला, पहला मैच हार गई, दूसरा खेला, दूसरा जीत गई, और दूसरे के बाद ये तीसरे भी जीतना चाहेगी। वही बात करें प्लेइंग 11 की दोनों ही टीम की, तो रूबी टिच वॉरियर्स में यहाँ पर प्लेइंग 11 में है, उनकी टीम में है मुरली विजय, अमित सात्विक, निदेश राजगोपाल, आदित्य गणेश, मोहम्मद आनंद खान, एंटोनी दास, पी श्रवण कुमार, राहिल शाह, एम पोई मोजी, मी याज, अरुण मोजी, अजय कृष्णा। अगर जो वहीं देखें इनकी टीम की बैटिंग की, भाई इनकी टीम की बैटिंग कैसे है, तो क्योंकि पहला मैच खेला, पहला मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग करी लेकिन बॉलर्स ने साथ नहीं खेला। अगर जो दूसरे मैच देखें, दूसरे में बॉलर्स ने कुछ ज़्यादा, मतलब बैट्समैन ने ज़्यादा खास नहीं कर, लेकिन बॉलर्स ने कर दिया, मतलब बैट्समैन और बॉलर्स का कॉम्बिनेशन बन करके नहीं आ रहा है इनकी टीम में। तो इसी चीज़ को यहाँ पर इन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और ओवरऑल बैटिंग और बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, एक टीम बन के खेलना पड़ेगा, तभी जाकर के होएगा, नहीं तो भाई टीम जो है ये हार सकती है। ओवरऑल टीम में बैटिंग और बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, गुड कहना चाहूँगा। वहीं दूसरी ओर बात करें चेपॉक सुपर गिल्स की प्लेइंग 11 में, तो उनकी टीम में है कौशिक गांधी, एन जगदेशन, एस राधा कृष्णा, यू शशिदेव, राजगोपाल सतीश, एस हरी कुमार, सोनू यादव, एम सिद्धार्थ, आर अलेक्जेंडर, संदीप वरन एंड बी अरुण। यहीं पे इस वाली टीम के अगर जो बैटिंग की बात करें, तो भाई बैटिंग और बॉलिंग में क्या सीन है, पहले जो मैच हुआ था सेम होने की दर ही, पहले मैच में बॉलर बैट्समैन में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, बॉलर्स की वजह से मैच हार गए। लेकिन जो दूसरा टीम हुआ, जो दूसरा मुकाबला हुआ, उसमें भी सेम यही हुआ, बैट्समैन ने अब की बार काम नहीं करा, बॉलर्स ने काम करा, तो इसी वजह से वो मैच हार गई। यानी कि इस वाली टीम को भी वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी, बैट्समैन और बॉलर्स को जो है कॉम्बिनेशन में लाना पड़ेगा, तब जा करके ये मुकाबला जो है जीत सकती है, नहीं तो भाई ये मुकाबला हारने के काफ़ी ज़्यादा चांस है चेपॉक सुपर गिल्स के। वो क्यों? क्योंकि भाई इनकी टीम में भाई बैट्समैन उतने अच्छे लेवल पे नहीं है, पर अगर जो टीम के साथ बने तो एक अच्छे लेवल पे है। यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही मैं ओवरऑल गुड कहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही टीम की बैटिंग और बॉलिंग एक जैसी है, तो दोनों टीम की यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग गुड गुड कहना चाहूँगा। वहीं बात करें लास्ट छः मुकाबलों के क्या रिकॉर्ड रहे हैं, तो रूबी टिच वॉरियर्स में यहाँ पर 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं। वहीं दूसरी ओर चेपॉक सुपर गिल्स ने 6 में से 2 मुकाबले जीते हैं। यानी कि कंडीशन जो है चेपॉक सुपर गिल्स की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि 6 में से 2 जीते हैं। रूबी टिच ने भाई आधे से ज़्यादा तो जीत लिए, 4 तो जीत ही रखे हैं, तो यानी कि रूबी टिच वॉरियर थोड़ी बहुत हम लोगों को यहाँ पर आगे नजर आ रही है। अगर जो बात करें बैटिंग एवरेज स्कोर का, तो बैटिंग एवरेज स्कोर यहाँ पर रूबी टिच वॉरियर्स का 152 है, और वहीं दूसरी ओर चेपॉक सुपर गिल्स का 145 है। यानी कि इस मामले भी रूबी टिच वॉरियर्स आगे नजर आ रही है। बॉलिंग एवरेज स्कोर भी दोनों ही टीम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 7.33 और 7.23 बॉलिंग एवरेज दोनों ही टीम का एक जैसा है। तो यानी कि यहाँ पर बॉलिंग में दोनों ही टीम एक जैसी है, लेकिन बैटिंग का थोड़ा सा यहाँ पर लफड़ा हो जाता है। तो यानी कि रूबी टिच वॉरियर्स का अगर जो टोटल देखें लास्ट पाँच मुकाबलों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें, तो रूबी टिच वॉरियर्स इसमें भी आ गया, क्योंकि उन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं, चेपॉक ने 2 जीते हैं। यानी कि अगर जो अब आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होगा कि मैं किस टीम के ऊपर इशारा कर रहा हूँ, ये जो मुकाबला लेकर के जा सकती है रूबी टिच वॉरियर्स लेकर जा सकती है। वो क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यार देखा बैटिंग में आगे है,
यहाँ पर लास्ट पांच मुकाबलों का रिकॉर्ड में आ गया है, लास्ट सिक्स मुकाबलों का रिकॉर्ड में आ गया है और यहाँ पर ओवरऑल तीन जगह पर ये टीम पॉइंट बना रही है एक्स्ट्रा। तो यानी कि विन परसेंटेज रोबोटिक वॉरियर्स की बनती है 51 बनती है, चेपॉक सुपर गिल्स की 49 बनती है, ओवरऑल 50 के आसपास का ये मुकाबला है, बराबर की टीम है। अगर जो चेपॉक सुपर गिल्स ने यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया बैटिंग और बॉलिंग में, थोड़ी सी जान लगा दी, तो भाई ये मुकाबला वो भी लेकर के जा सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग ये जो मुकाबला है रोबोटिक वॉरियर्स लेकर के जाने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, रोबोटिक वॉरियर्स जीतेगी या हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए जवाब। अगर जो आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, काम कर देना मेरा छोटा सा। तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम एंड गुड बाय।